हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। दिस इज दीपन गोगोई। तो आज हम बात करेंगे जिंक। तो जिंक को कैसे मार्केट रिसर्च किया जाता है, उसका पिवट पॉइंट क्या है, मार्केट ट्रेंड को कैसे निकाला जाता है और मार्केट रेंज क्या है, क्योंकि ट्रेंड जब चलता रहता है तो एक रेंज में चलता है, तो रेंज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और मार्केट का बिहेवियर कैसे है, हम कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, कौन सा कहाँ पे हमें बाय लेना है, कहाँ पे सेल लेना है, कैसे है, फुल्ली डिटेल्स में डिस्कस करूंगा आपका साथ ये वीडियो में। तो अगर आप ये वीडियो अच्छा से देखेंगे तो मुझे लगता है ये आप मार्केट कैसे रिसर्च किया जाता है एटलीस्ट सीख पाएंगे, क्योंकि जो आप लोग इंडिकेटर यूज करते हैं तो इंडिकेटर का ज्यादा से ज्यादा काम नहीं होता है, उससे ज्यादा काम होता है मार्केट को रिसर्च करना है। तो रिसर्च बोले तो हमको एक मार्केट बिहेवियर ट्रेंड को पहले निकाल लेना है। तो हम दिखाएंगे आपको ट्रेंड कैसे निकालना है, कहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कहाँ तक हम बाय रिस्क ले सकते हैं, उसका ऊपर में आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप पिवट पॉइंट जिंक का आज है, जिंक का आज पिवट पॉइंट है 176.60, फर्स्ट रेजिस्टेंस 177.65, सेकंड रेजिस्टेंस 178.50, थर्ड रेजिस्टेंस 179.55, फर्स्ट सपोर्ट 175.75, सेकंड सपोर्ट 174.70, थर्ड सपोर्ट 173.85। तो ये देख सकते हैं आप डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में आप कैसे आप मार्केट को रिसर्च करेंगे, तो ठीक है, चलो थोड़ा मैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है आदमी का ये डाउन ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड कैसा है मार्केट, ये ढूंढने के लिए, राइट। तो इसलिए हमें एक देखेंगे ट्रेंड, ओके, दूसरा देखेंगे हम प्राइस एक्शन और तीसरा देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इन तीन चीजों को देख के हम मार्केट को फोरकास्ट करेंगे मार्केट क्या होने वाला है, ठीक है, ओके। तो पहले आपको देखना है ट्रेंड। ट्रेंड देखने के लिए क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, 200 मूविंग एवरेज मैंने लिया, ये क्या है 150 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज। तो आप देख लीजिए पहले 50 मूविंग एवरेज जब 200 मूविंग एवरेज नहीं, तो मैं यूज कर लेता हूं यहां पे 150 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको दिखा दूं, सपोज ये 150 मूविंग एवरेज, राइट, 150 मूविंग एवरेज, 150 मूविंग एवरेज को जब 50 मूविंग एवरेज ने क्रॉस करेगा, जैसे ये 50 मूविंग एवरेज इस एरिया से डाउन ट्रेंड शुरू होता है मार्केट का, क्लियर। तो यहां पे आप देख सकता है 150 मूविंग एवरेज रेड, देखा ये 150 मूविंग एवरेज रेड है, ओके। नेक्स्ट येलो 50 मूविंग एवरेज क्रॉस कहां पे हुआ, यहां पे, राइट, दिस एरिया क्रॉस बाय 50 मूविंग एवरेज टू 150 मूविंग एवरेज, तो यहां से स्टार्ट डाउन टेन, राइट। और एक बात यार देखना चाहिए, जब 50 मूविंग एवरेज ने 150 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेंगे उस समय 50 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ झुकना चाहिए, अगर 150 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ झुका हुआ है 150 मूविंग एवरेज, ठीक है, ये ऊपर की तरफ झुका हुआ है, ऊपर की तरफ है ना, और उस समय 50 मूविंग एवरेज क्रॉस करे, ये 50 मूविंग एवरेज, ये क्या है 50 मूविंग एवरेज क्रॉस करे, तो ये डाउन ट्रेंड नहीं है। तो क्या होना चाहिए,
150 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ झुकना चाहिए और साथ में ये 50 ने क्रॉस करना चाहिए, राइट, तो हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रेड लाइन इस एरिया में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ झुका हुआ है और साथ में 150 ने क्रॉस किया, स्टार्ट फेलिंग प्राइस, इट इज डाउन ट्रेंड। ओके, फर्स्ट हमने ट्रेंड निकल लिया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड। ओके, नेक्स्ट मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड कहाँ तक जाएगा? तो मैंने यहाँ से थोड़ा मैं आपको एक लाइन दे देता हूँ, यहाँ पे क्रॉस किया था, राइट, ये रीजन में क्रॉस किया। तो अब अभी देखिए यहाँ पे आप मार्केट नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे मार्केट यहाँ पे नहीं था, इधर क्रॉस किया, उसका साथ मार्केट पीछे का ये पोर्शन हमें पता नहीं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड पॉइंट को निकालेंगे, कनेक्टेड पॉइंट, राइट, हाईएस्ट पासिंग पॉइंट, राइट, ये हम देखेंगे और उसको देख के क्या करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पे वन ट्रस्ट, टू ट्राई, थ्री ट्राई, फोर ट्राई, फाइव ट्राई, राइट, चलो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, वन ट्राई किया था, टू ट्राई, थ्री ट्राई, फोर ट्राई, फाइव ट्राई, ठीक है, किया था, और कहाँ पे है ये रीजन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये रीजन में ट्राई किया था, क्या तोड़ने के लिए, वन ट्राई, ऑलमोस्ट टू ट्राई, थ्री ट्राई, फोर ट्राई किया था, इसलिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट, तो अभी क्या करना है, आप देख सकते हैं यहां से क्रॉस कर दिया, राइट, क्रॉस कर दिया किसको, किसको क्रॉस कर दिया, 50 ने 150 को क्रॉस कर दिया यहाँ पे, तो मतलब डाउन ट्रेन है, तो डाउन ट्रेन में हम क्या लेंगे, सिर्फ सेल लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ सेल लेंगे, तो सेल कहाँ तक लेंगे हम, फर्स्ट रेजिस्टेंस जहाँ मिला, सॉरी सपोर्ट जहाँ मिला, ये लाइन, तो वहां से हम सेल शुरू करेंगे, अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ तक हम सेल करेंगे, राइट, यहाँ पे कभी भी हम ये रीजन में हम कभी भी हम जब मार्केट नीचे आ जाएगा ये एरिया में हम बाय नहीं लेंगे, इसको ब्रेकआउट करेंगे फिर से सेल स्टार्ट कर देंगे, कहाँ, यहाँ पे, कहाँ से सेल शुरू करेंगे, ये रीजन ब्रेकआउट किया तो यहाँ से हम सेल करेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ पे हम सेल नहीं लेंगे, उसको ब्रेकआउट करेगा तो उसका बाद फिर से सेल करेंगे, ये पोर्शन से यहाँ पोर्शन तक हम सेल करेंगे ये एरिया में, इतना एरिया, और बाकी ये जो लास्ट एरिया आता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसलिए हमें यहाँ पे बाय सेल नहीं करना है, यहाँ पे लेना है बाय लेकिन सेल नहीं लेना है, अगर ये लेवल को ब्रेकआउट कर दिया मार्केट तो इससे सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो देख सकते पहले देखा ये मार्केट कंटिन्यूअस नीचे आ गया, तो यहाँ पे था ये एरिया, तो देख सकते हैं आप कंटिन्यूअस मार्केट नीचे आ गया, आप तो कहाँ, फर्स्ट ये सपोर्ट था, नेक्स्ट ये सपोर्ट का आसपास, तो मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ये सपोर्टिंग जोन, तो आप देख सकते हैं हमें वो जो पहले सपोर्टिंग जोन बनाया था, राइट, तो पहले जो सपोर्टिंग जोन, अभी यही सपोर्टिंग जोन में मार्केट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक चीज बना रहा है और एक चीज आपको देखना है, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन क्या होता है, इसमें लोअर लो बना के आता है, जैसे लोअर लो, राइट, ये है लोअर लो, लोअर हाई, ये चीज देखना है, लोअर लो, लोअर हाई, अभी यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा आपको, ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था, ये हायर लो, हायर हाई, ठीक है, नेक्स्ट हायर हाई, हायर लो, बट यहाँ पे देख सकते हैं ये हायर हाई बनाना बना नहीं पाया यहाँ पे, तो क्या बनाया इसमें, हायर लो, ये हायर लो, लोअर लो, राइट, ये हायर लो, ब्रेकआउट कर दिया लोअर लो, हायर लोअर हाई, ये बन गया लोअर हाई, और अभी बनाना है उसको लोअर लो, अगर लोअर लो यहाँ तक ये एरिया आप देख सकते हैं,
जिसे पहले हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके डेली में, राइट, कहाँ पे लिया था हमने, डेली में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरिया में लेके हमने एक रेजिस्टेंस लाइन डाल के रखा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एक सपोर्टिंग जोन आ गया, यहाँ पे एक सपोर्टिंग जोन। अगर जब तक ये सपोर्टिंग जोन का नीचे मार्केट ओपन और क्लोज नहीं होता तब से हम सेल नहीं लेंगे। मतलब क्या है, ये सपोर्टिंग जोन मार्केट यहाँ इसका नीचे ओपन और क्लोज दोनों होना चाहिए, ठीक है, उसका बाद ही हम सेल्स शुरू शुरू करेंगे। नहीं तो और एक काम कर सकते हैं आप, ये सपोर्टिंग जोन इसको ब्रेकआउट करने दीजिए, मार्केट नीचे ब्रेकआउट करके आ जाएगा, फिर उसका बाद रिट्रेसमेंट लगा, जब रिट्रेसमेंट लगा स्टार्ट सेलिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट स्टार्ट सेलिंग टू दिस लेवल, राइट। ये होता है प्राइस एक्शन मेथड। तो आप देख सकते हैं लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो हम सेल करेंगे कहाँ तक, ज्यादा से ज्यादा 162.162 तक हमें सेल करेंगे, उसके बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे बाय। तो इसके लिए आपको कॉन्फर्म करना पड़ेगा इसको ब्रेकआउट कर पाता क्या नहीं पाता, ठीक है, ये हो गया। तो इसके लिए और एक हम मेथड यूज करेंगे यहाँ पे लास्ट पॉइंट निकालने के लिए, कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो इसके लिए हम एक नेक लाइन बनाएंगे, ये आप नेक लाइन देखा, ये मैंने हायर पॉइंट को ज्यादा पॉइंट को कनेक्ट किया, मुझे लगता है ये नेक्स्ट जो लेवल है वहां तक आने का चांसेस है मार्केट, ठीक है। तो अभी हम देख, तो मार्केट जो रिसर्च इसे देख लेना चाहिए, तो उसका बाद देखेंगे हम 5 मिनट और 15 मिनट में, 5 मिनट और 15 मिनट। तो 5 मिनट और 15 मिनट में आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो सपोर्टिंग जोन था एक सपोर्टिंग जोन में ही है। तो अभी तक तो कुछ यहाँ पे बाय सेल सिग्नल कुछ दिया नहीं, तो पहले आप देख सकते हैं ये प्राइस एक्शन में था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे ये 20 मूविंग एवरेज से बाउंस बैक होके आ रहा था, राइट। अभी ये 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज को दोनों को ब्रेकआउट किया, तो मुझे लगता है नेक्स्ट कहाँ से आया था मार्केट, 100 मूविंग एवरेज से 150 से बाउंस बैक हुआ था। तो नेक्स्ट 150 कहाँ पे है, तो मार्केट 150 तक आ सकता है। तो इसलिए ये तो देखेंगे उसमें एक, हमें एक रेंज मिल गया, तो रेंज इस रेंज में है, तो रेंज ब्रेकआउट करके कहाँ तक जा पाएगा, वह 150 तक जा पाएगा। तो उसका बाद फिर से मार्केट ऊपर नीचे की तरफ आने का चांसेस है। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर का क्या होता है, ये फुल्ली डाउन टर्न है, राइट, ये क्योंकि ये एक रेनबो स्टाइल से बन के आ रहा है। तो आदमी ज्यादा चलता है ये रेंज तोड़ दिया, ये रेंज तोड़ के वो लोग सोचता है मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन क्या होता है, ये पहले यहाँ पे सपोर्ट बनाया था किसको, 150 को। तो नेक्स्ट यहाँ पे 150 सपोर्ट बनाना हाई प्रोबेबिलिटी है टू स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम दिस लेवल, ओके। सो दिस इज द ट्रेडिंग मेथड और एनालिसिस मेथड। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।